ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ದೇಸಾಯಿ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ದೇಸಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕಂಠನ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. सुबह 4:30 बजे जो है वो केरला में कोची एयरपोर्ट पे हम पहुँचे तो तभी से जो है वो प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े थे, वो आंदोलन कर रहे थे. उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर जाने के लिए हमने टैक्सी 2-3 बार बुक की, लेकिन उस टैक्सी लोगों को जो वहाँ के जो ड्राइवर थे उनको धमकाया गया कि अगर तृप्ति देसाई और टीम को अगर आप गाड़ी देंगे तो आपकी गाड़ी फोड़ेंगे या फिर इन महिलाओं के ऊपर हम अटैक करेंगे. इसलिए कोई भी टैक्सी नहीं दे रहा था. पुलिस ने पूरी कोशिश भी की दूसरे और एक गेट से हमें निकालने की गाड़ी में से, लेकिन वहाँ पे भी प्रोटेस्टर थे और वो डायरेक्ट अटैक करने आए तो फिर से हमें एयरपोर्ट के अंदर ही रुकाया है. और उनका कहना है कि बाहर अगर हम वहाँ पे गए तो हमें इंजुरी हो सकती है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है. लेकिन शबरीमाला मंदिर में कल जो है वो हम वहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले हैं और सरकार को यही हमें कहना है कि जब तक हमारा दर्शन वहाँ पे नहीं होता है तब तक हम जो है वो महाराष्ट्र में जाने वाले नहीं हैं.